सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मॉडल पेपर, जो बिहार बोर्ड 2022 द्वारा प्रदत्त है, उसके लघु उत्तरीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे। बहुत बच्चों की यह मांग थी कि आप सर प्रश्न उत्तर भी करा दीजिए, तो आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इसे आप आरंभ से अंत तक अवश्य देखेंगे, आप अत्यंत लाभान्वित होंगे। और अभी तक जो इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें। मैट्रिक परीक्षा तक हम आप लोगों को महत्वपूर्ण सामग्री देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं यह हमारा जो प्रश्न पत्र होगा मैट्रिक एग्जामिनेशन का, उसमें जो खंड अ है वह तो ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। खंड ब में भी हम लोग गद्यांश, पत्र लेखन, अनुच्छेद और अनुवाद का अध्ययन कर लिए, चार प्रश्न तक। आज पांचवें प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं, जो 16 अंक का आता है, 8 प्रश्न लिखना होता है, लेकिन कुल जो है प्रश्नों की संख्या होती है 16। कुल 16 प्रश्नों में से हमको मात्र 8 प्रश्न ही लिखने होते हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होता है और हमको 16 नंबर मिलता है। यह हमारे मैट्रिक परीक्षा का क्या है, लगभग 3% प्लस है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप देखें। तो 16 अंक आता है, क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न हमारा लिखा हुआ मिलेगा हमारे मैट्रिक एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र में भी, कि अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी प्रश्नों की कुल संख्या होगी 16, लेकिन उसमें से हमको 8 प्रश्न जो हमें याद होंगे, जिनका हम उत्तर भली प्रकार लिख सकते हैं, उन्हीं 8 प्रश्नों को हम करेंगे परीक्षा में। इसे अभी हम आपको 16 प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। पहला प्रश्न कहता है, किसे आत्मदर्शन होता है, किसे आत्मदर्शन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे हम, कि जब जीव शोक रहित होकर, अर्थात सांसारिक मोह माया का त्याग कर, हृदय स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसे आत्मदर्शन होता है। सही उत्तर एकदम आसान और सरल भाषा में लिखेंगे। प्रश्न क्या है, किसे आत्मदर्शन होता है? तो हमारा उत्तर होगा, जब जीव शोक रहित होकर, अर्थात सांसारिक मोह माया का त्याग कर, हृदय स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसे आत्मदर्शन होता है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न अत्यंत ही आसान है। यह कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ? इसे हम लोग अपने संस्कृत पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम से यह प्रश्न है कि पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ। तो उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प एवं पुत्तलिका रचना के आधार पर प्रचलित हुआ, लिखा हुआ है हमारा जो संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ। एकदम सामान्य और इतना छोटा उत्तर लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा। सही उत्तर लिख देना है, टू द पॉइंट हमारा उत्तर होना चाहिए। बेकार की बहुत बातें लिखने से अच्छा होता है मूल बात को कम और शुद्ध शब्दों में लिख देना। तो पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प एवं पुत्तलिका रचना के आधार पर प्रचलित हुआ। तीसरा प्रश्न, मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था। मॉडल पेपर का तीसरा प्रश्न है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह कैसे पता चला? तो यह भी उसी पाठ से है और पाठ में ही लिखा गया है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह अनेक साहित्य ग्रंथों तथा मुद्रा राक्षस इत्यादि से पता चला। मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने और उसमें भी इसकी चर्चा है। तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे, मध्यकाल में, अपनी भाषा में लिखे एकदम, कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह अनेक साहित्य ग्रंथों तथा मुद्रा राक्षस इत्यादि से हमें पता चला। तीसरा प्रश्न है, निर्गतियों अलस कथा से है, तृतीय पाठ अलस कथा, अलसियों की कहानी से, निर्गतियों एवं अनाथों में
आलसी को प्रथम क्यों माना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे हम कि निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम इसलिए माना गया है क्योंकि पेट में आग लगने पर भी कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। जो आलसी होता है वह कुछ करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए दुर्गति को प्राप्त लोग और अनाथ लोगों से भी खराब स्थिति उनकी मानी जाती है। किनकी? आलसी की। तो प्रश्न हमारा क्या था, निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम क्यों माना गया है? उत्तर लिखेंगे कि निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम इसलिए माना गया है क्योंकि पेट में आग लगने पर भी कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 5। 5 कहता है, उसी पाठ से है कि अलसशाला का खर्च क्यों बढ़ गया? अलसशाला, शाला मीन्स घर, अलस मीन्स आलसी, तो आलसियों के घर का खर्च क्यों बढ़ गया? तो उत्तर लिखेंगे कि आलसियों के सुख को देखकर जब धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे तब अलसशाला का खर्च बढ़ गया। अलसशाला का खर्च क्यों बढ़ गया? आलसियों के सुख को देखकर जब धूर्त भी बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे तब अलसशाला का खर्च बढ़ गया। एकदम निसंदेह यह प्रश्न या ये जो भी प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए। आप इन्हें लिख लें या एक बार दो बार तीन बार देख करके याद कर लें और अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें। 10 क्लास में जितने पढ़ने वाले मैट्रिक के एग्जामिन हैं, परीक्षार्थी हैं हमारे, उन सभी बच्चों को लाभ मिले, इसी प्रयोजन से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। 6 प्रश्न है हमारा, बृहदारण्यक उपनिषद में क्या वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद, और कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में क्या वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी वर्णित है, जो याज्ञवल्क को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी ऐसा वर्णित है। क्या वर्णित है? कि याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी यह वर्णित है, जो याज्ञवल्क को आत्म तत्व की शिक्षा देती हैं। 7 प्रश्न है हमारा, लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक जो अभी हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं वह क्या है? लौकिक संस्कृत है। जिस काल में वेदों की रचना हुई वह संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाता था, और आज का जो हमारा संस्कृत है वह लौकिक संस्कृत है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों के 50 पद्य अस्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। उनमें विजयांका प्रथम कल्पा है, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा इत्यादि संस्कृत लेखिकाएं प्रमुख हैं। इतना ही उत्तर लिखेंगे आपको। 2 आप लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो बहुत लंबा उत्तर आपका नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में ही अपनी बात रख देनी है। तो प्रश्न था हम लोगों का, लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें। उत्तर लिखेंगे, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों के 50 पद्य स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। उनमें विजयांका प्रथम कल्पा है, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा इत्यादि प्रमुख संस्कृत लेखिकाएं हैं। प्रश्न संख्या 8। 8 कहता है कि भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवगण क्या कहते हैं? भारत महिमा पाठ से लिया गया है। भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवगण क्या कहते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे कि भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं कि इस देश की धरती स्वर्ग के समान है, जहां जन्म लेने वाले मनुष्य देवतुल्य हैं, क्योंकि राम और कृष्ण जैसे महामानव ने जन्म लेकर इस धरती के महत्व को सिद्ध कर दिया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान अत्याचारियों के अंत करने का तथा धर्म की स्थापना हेतु
अवतरित होते हैं। आठवां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवतागण क्या कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवतागण कहते हैं कि इस देश की धरती स्वर्ग के समान है, यहाँ जन्म लेने वाले मनुष्य देवतुल्य हैं, क्योंकि राम और कृष्ण जैसे महामानव ने जन्म लेकर इस धरती के महत्व को सिद्ध कर दिया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भगवान अत्याचारियों का अंत करने तथा धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9 कहता है कि जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है? तो हम लोगों ने भारतीय संस्कारा पाठ में अध्ययन किया है, जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतों ने। लेकिन ये पूछ रहा है कि जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है, तो हमारा उत्तर होगा कि जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य है गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण, जो गर्भस्थ शिशु है वह संस्कारी हो तथा गर्भवती सदैव प्रसन्न रहे, यही उद्देश्य है। जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है? जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य है गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण तथा गर्भवती सदैव प्रसन्न रहे, यही उद्देश्य है या यही जन्म पूर्व संस्कार का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 10। 10 कहता है कि शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे? तो उत्तर लिखेंगे हम, शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य, गुरु द्वारा शिष्य को प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादन के उपदेश दिए जाते थे, जैसे सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय में कभी आलस्य या प्रमाद न करो। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे? तो शिक्षा की समाप्ति पर हम लिखेंगे कि शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादन के उपदेश देते थे, जैसे सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अध्ययन करने में कभी प्रमाद या आलस्य मत करो। प्रश्न संख्या 11। 11 कहता है कि संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को किन दोषों का परित्याग कर देना चाहिए? संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को किन दोषों का परित्याग कर देना चाहिए? तो आया इसके लिए कि निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। उत्तर आप लिख देंगे कि संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को निद्रा माने नींद, बहुत अधिक सोना, तंद्रा, तंद्रा का अर्थ बताए हैं आप लोगों को पढ़ाते वक्त, तंद्रा माने आदमी न सोया है न जगा है, तंद्रा की स्थिति में, भय मीन्स डर, क्रोध आलस्य, और दीर्घसूत्रता यानी दीर्घसूत्री है, किसी काम को बहुत देर तक करने वाला है, इन 6 दोषों का परित्याग करना चाहिए। प्रश्न था कि संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को किन दोषों का परित्याग करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों का परित्याग करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम आ गए प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि मूल संकर में वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ? तो उत्तर लिख देंगे कि असमय प्रिय बहन का निधन होने के कारण मूल संकर में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। असमय अपने प्रिय बहन का निधन होने के कारण मूल संकर में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। प्रश्न संख्या 13 पर आ जाते हैं। 13 कहता है कि भीखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखा? तो उत्तर लिख देंगे भीखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने खेलने में लगे हुए दलित बालक को देखा। कैसे बालक को देखा? दलित बालक को देखा। भीखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखा? तो हमारा उत्तर होगा भीखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने खेलने में लगे हुए दलित के बालक को देखा या दलित बालक को देखा। प्रश्न संख्या 14।
मंदाकिनी वर्णनम पाठ से है। ये कहता है कि चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं, जो चकवा पक्षी हैं वह मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मीठी बोली वाले चकवा पक्षी नदी के किनारे पर बैठकर अपने सुमधुर कलरव से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? सुमधुर कलरव से। प्रश्न था हम लोगों का, चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। उत्तर क्या हो गया? मीठी बोली वाले चकवा पक्षी नदी के किनारे पर बैठकर अपने सुमधुर कलरव से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 15। और 15 कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। व्याघ्र पथिक कथा, बाघ और रागीर की कहानी। तो उत्तर हम लिखेंगे कि व्याघ्र पथिक कथा से शिक्षा मिलती है कि नरभक्षी प्राणियों पर, नरभक्षी समझ रहे हैं सब, नरभक्षी जो नर का क्या करता हो, भक्षण करता हो, नरभक्षी प्राणियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि नरभक्षी प्राणियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा, नरभक्षी व्यक्ति द्वारा नजर आने पर भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। यही उचित उत्तर होगा और शॉर्ट में है भी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 और अंतिम प्रश्न। परीक्षा में भी ऐसे ही 16 प्रश्न आएंगे जिनमें से 8 जो आपको आसान लगेंगे उन्हें आपको करना है। तो 16वां प्रश्न है हमारा कि शांति स्थापित करने का क्या उपाय है। तो उत्तर लिखेंगे, शांति स्थापित करने का उपाय है बैर की समाप्ति। जो बैर है, दुश्मनी है, उसकी समाप्ति। व्यक्ति समाज और राष्ट्र से आपसी द्वेष, असहिष्णुता और असंतोष इत्यादि को दूर कर शांति और सहिष्णुता अपनाकर शांति स्थापित किया जा सकता है। शांति स्थापित करने का क्या उपाय है? शांति स्थापित करने का उपाय है बैर को समाप्त करना। व्यक्ति समाज और राष्ट्र से आपसी द्वेष, असहिष्णुता और असंतोष आदि को दूर कर शांति और सहिष्णुता अपनाकर शांति स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस मॉडल पेपर के 16 प्रश्न का अध्ययन कर लिए, जिस परीक्षा में हमको 8 ही लिखना है, 16 नंबर का आता ही है। और भी जो महत्वपूर्ण इस 2022 मैट्रिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो गेस प्रश्न उत्तर होगा लघु उत्तरीय, मैं आप लोगों को अवश्य प्रदान करूंगा। आप इस चैनल से जुड़ें और अन्य बच्चों को भी जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।